अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे, खुश होंगे। जी तो भाई मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई थंबनेल से आपको पता चल चुका होगा कि हैक अकाउंट रिकवर कैसे करना है, और ये मसला काफी दिनों से चल रहा है। ये पबजी वालों ने एक हमारे लिए जो है ना ऑप्शन निकाला था कि आप अपना अकाउंट रिकवर किस तरह कर सकते हैं, तो उसी मेथड को लेके जो है ना हैकर क्या कर रहे हैं, हमारे अकाउंट हैक कर रहे हैं। तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है अपना अकाउंट सिक्योर करने के लिए और अपना हैक अकाउंट रिकवर करने के लिए क्या करना है, कंप्लीट डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पे पहली दफा आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इसी तरह का पबजी एंड बीजीएमआई के रिलेटेड कंटेंट बनाता रहता हूँ। बाकी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और जो है ना चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना है कि आपका अकाउंट सिक्योर हो जाए और हैक ना हो। तो यार यहाँ पे आपने आ जाना है सोशल एंड प्राइवेसी सेटिंग में। सही है, पबजी ऑन करने के बाद सोशल एंड प्राइवेसी सेटिंग में आ जाना है। और ये जो आपको सारी सेटिंग नजर आ रही है ना आपके सामने, ये चल रही है सेटिंग, सही है। इसमें से जो है ना आपको जो लगता है कि ये मैं शो नहीं करना चाहता, मतलब इससे भी मेरा अकाउंट हैक हो सकता है, वैसे तो मैं आपको बोलूंगा कि आप जो है ना पॉपुलैरिटी वगैरह और जो है ना सारा ये अनलिस्टेड कर दो, मतलब कि इसको जो है ना आप डिसेबल कर दो। ये इनेबल है तो आप इसको डिसेबल कर दो, आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा। जब तक ये इशू ये पबजी का सॉल्व नहीं होता तब तक आप इसको डिसेबल करके रखो, सही है। केडी वगैरह शो कर दो और बाकी पॉपुलरिटी वगैरह भी हाइड कर दो और मैचेस वगैरह, क्योंकि हैकर क्या करते हैं वो देखते हैं कि आपने किन किन के साथ गेम खेली है और कौन कितने मैच खेले हैं, कितने किल्स किए हैं, तो वो कंप्लीट डिटेल आपकी जाके ना यहाँ से वहाँ पे दे देते हैं और जो है ना अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं, आपका लिंक वॉश कर लेते हैं। तो इसको आपने इसका ध्यान रखना है कि ये सारे डिसेबल रखने हैं आपने। जो आपको लगता है कि इससे मेरा अकाउंट हैक नहीं हो पाएगा वो चीजें आपने ऑन करके रखनी है, बाकी डिसेबल कर देनी है। बाकी यहाँ लॉग आउट कर लेता हूँ मैं और मैं तरीका बताता हूँ कि किस तरह से आपने अपना अकाउंट जो हैक हो चुका है उसको रिकवर करना है। तो यहाँ पे आ जाना है आपने लॉग इन पेज पे, यहाँ पे ऊपर हेल्प लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपने हेल्प पे आ जाना है। हेल्प पे आने के बाद यहाँ पे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म लॉगिन इशू, सही है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और नीचे आ जाना है कॉन्टेक्ट अस, सही है, कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है ये आपके सामने नीचे, तो इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपसे ये जो है ना कंप्लीट डिटेल मांगेगा कि आप यू आई डी क्या है, मतलब आप कैरेक्टर आई डी और किस ईमेल से आप जो है ना लॉग इन करते थे, किस लिंक से लॉग इन करते थे और किस डिवाइस पे खेलते थे। आपने ये कम्प्लीट डिटेल देख लेनी है और कम्प्लीट आपने इसको जो है ना फिल कर देना है और सबमिट कर देना है, सही है, नीचे आके ओके कर देना है। तो एक दो दिन बाद या हो सकता है 24 घंटे के अंदर ही आपको मेल आ जाए, ईमेल आपके पे जो भी आप यहाँ पे ईमेल लगाओगे उस पे आपको मेल आ जाएगी, सही है। तो वही उसी मेल से ईमेल से आपने यहाँ पे आ जाना है, लॉगिन पे क्लिक करना है, ईमेल से लॉगिन करना है, सही है, जो आपने यहाँ पे ईमेल दिया हुआ होगा यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको जो है ना वीवा ईमेल पे क्लिक करना है और ऑप्टिन पे, मतलब यहाँ पे अपना ईमेल लगा के ऑप्टिन पे क्लिक करोगे तो आपको जो है ना आपके ईमेल पे 2-3 हिंसों का पासवर्ड आएगा, तो आपने वो वहां से कॉपी करके ना एक मिनट के अंदर, एक मिनट से ऊपर करोगे तो टाइम तो वो जो है ना एक्सपायरी हो जाएगा। तो फौरन से आपने वहां से जो है ना ईमेल से कॉपी करके यहां पे पेस्ट करना है और ओके करना है, इंशाल्लाह से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो यही कम्प्लीट मेथड था, इंशाल्लाह से अकाउंट लॉग इन हो जाएगा जिनका हैक हो चुका है ये स्टेप फॉलो करने के बाद। बाकी अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनका भी जिनका अकाउंट हैक हो चुका है वो रिकवर भी कर सकें और अपना अकाउंट सिक्योर भी कर सकें। तो ठीक है भाई लोग, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज।